जिले के इस गांव में 50 सालों से गांव में जाने के लिए सड़क नहीं है। एक हैंडपंप है, वो भी फ्लोराइड पानी से युक्त है, जिसे यहाँ के लोग जवानी में ही बुढ़ापे के शिकार हो रहे हैं। यही नहीं, कईयों ने तो बिस्तर पकड़ लिया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सियासी हलचल नहीं होती या फिर ये गांव सरकारों की नजर से ओझल है। सब नजर में है लेकिन नहीं है तो वो है सरकार के वादों के पूरे होने की दरकार। यहाँ नहीं है तो वो है मूलभूत सुविधाएं, और जिसके लिए यहाँ के लोग आज तक तरस रहे हैं। चलिए आपको उस गांव की तस्वीर दिखाते हैं, जरा ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ समस्या न तो नल बिजली न स्कूल न सड़क और न पानी। ये पानी खा रहा है जिसमें सबका दांत खराब हो चुके हैं और सब गोडे आने पड़ चुके। यहाँ गांव में जन्म से ही समस्या ही रही है, न तो आने जाने का रास्ता है यहाँ पर, और बहुत ही परेशानी होती है आने जाने में। डिलीवरी के वक्त भी ले जाने के लिए कोई साधन बरसात के अंदर कुछ भी नहीं जा सकता, मतलब पैदल जाना पड़ता है। और हमारे गांव के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहां पर फ्लोराइड युक्त हैं, सभी युवा अवस्था में मतलब वृद्धावस्था आ जाती है यहां के पानी से पीने से। पानी, सड़क, बिजली और अस्पताल, ये वो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर गाँव, हर घर और परिवार की जरूरत है। लेकिन इन ग्रामीणों को इन समस्याओं से हर रोज दो चार होना पड़ रहा है। ये दर्द आज का भी नहीं। जी हाँ, हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं प्रदेश के टोंक जिले के उनियारा तहसील के चतरपुरा गांव की, जहां आज तक ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। गर्मियां शुरू होते ही यहां पानी को लेकर और ज्यादा त्राही त्राही मच जाती है। वो भी क्यों ना, पंचायत सुंथड़ा में स्थित चतरपुरा गाँव राजस्व विभाग में होने के बाद भी एक ही हैंडपंप के भरोसे है। यही नहीं, इस हैंडपंप से शुद्ध पेयजल भी नहीं, गांव वालों को फ्लोराइड पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। और यही वजह है कि यहां लोग जवानी में ही बूढ़े नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग, बच्चे और युवा, यहां के सभी लोगों के दांत पीले पड़ने के साथ साथ मसूड़े तक खराब हो गए हैं। हालात ये है कि दो भाइयों ने फ्लोराइड युक्त पानी का सेवन करने से अब बिस्तर तक पकड़ लिया है और 8-10 महीने से बिस्तर पर ही है। यानी यहाँ जिंदगियां तो है लेकिन मुर्दों से कम नहीं। रोड की बहुत समस्या है और जब चौमासा में डिलीवरी का काम हो तो ले जा नहीं सकते, बीमार आदमी को सबको सारी बातों से परेशान। एक तो रात को ना कोई मतलब बाल बच्चे भी हो कहीं भी साधन आवा कौन तो मसा की। एक तो सुंदड़ा रोड जुड़ जानी, एक राम कर और ये गरियाला कमान सीसी रोड होता और तो सारी परेशानी तो पानी की परेशानी थी, एक पानी भी आनी चाहिए। वही आपको बता दें कि इस गांव में आने जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। 50 साल से इस गांव में जाने के लिए सड़क तक नहीं है और जो रास्ता है उसमें दूसरे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। यदि बरसात आ जाए तो आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि बरसात के कारण यहाँ की मिट्टी काली होने से आने जाने में परेशानी उठानी पड़ती है। और इसीलिए ग्रामीणों को बाहर जाना हो तो खेत में से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों को भी दूसरे गाँव 2-2.5 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। राजस्व गाँव होने के बाद साल 2003 में हालांकि इस गाँव में बिजली के खम्भे ग्रामीणों की अभिशंसा पर लगा दिए गए, लेकिन आने जाने के लिए रास्ता नहीं बनाया गया। गांव की पानी से बीमारी है, पानी खराब से बीमार है, सब सब दो तो नोड़ा पड़े बीमार, पानी से मोटे रहने दो से तो डुबे नहीं तो कहीं भी काम कर एक हेड पंप से आन रह गई कहीं भी काम का कोई डंडा डोर दो पास डंडा। ये कोई गांव में पानी की समस्या और रोड की समस्या डनाडोर चराबा की समस्या चराका की यशन की समस्या सारी समस्या से ही बात है तो उजाड़ गाँव कुमार को बात होती है। तो महिलाओं की परेशानी की बात करें तो उसकी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन प्रसव पीड़ा के समय तो ग्रामीण भगवान भरोसे ही रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में सिर्फ सरपंच, विधायक, सांसद के चुनाव के समय ही लोगों का आना जाना होता है और बड़े बड़े वादे कर आश्वासन दे दिए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने यहाँ सूरत तक नहीं दिखाई। चारों ओर फ्लोराइड युक्त पानी होने से खेतों में क्षारीय युक्त हो जाने से फसलें सिर्फ नाम की ही पैदा होती हैं। आज तक ग्राम पंचायत ने कभी भी किसी ग्रामीण का नाम नरेगा में नहीं लिखा जिसे लोगों को रोजगार मिल जाए।
यदि गांव में लगा एक हैंडपंप खराब हो जाए तो पानी के लिए ग्रामीण तरस जाते हैं और 2-3 किलोमीटर दूर से पानी पीने के लिए लाना पड़ता है। पशु भी फ्लोराइड युक्त पानी का सेवन करने से दूध नहीं दे पाते। ग्रामीण आज भी आजादी के बाद यहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाते लगाते थक गए हैं, लेकिन आज तक कोई जनप्रतिनिधि या प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ सुध लेने नहीं पहुँचा और अब इस गांव की हालत ये हो गई है। यानी सियासत ने इस गांव को बना दिया है शापित। वेस्ट इंडिया के लिए टोंक के उनियारा से निर्मल गुप्ता की रिपोर्ट। तो तस्वीरें आपने देखी है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से यहाँ की हालत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर पानी पीने के लिए लोग तरसते हुए नजर आ जाते हैं। गर्मी आने वाली है और ज्यादा त्राही त्राही यहाँ पर मचने लग जाती है। 2003 में यहाँ पर बिजली का कनेक्शन जरूर दिया गया, लेकिन सड़क बनाना यहाँ पर सरकार भूल गई। आपको बता दें कि 50 साल हो गए हैं, लेकिन इस गाँव में आज भी एक सड़क तक नहीं बनी है। अगर गांव से बाहर जाना हो तो आने जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ पानी की समस्या सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिल रही है। एक ही हैंडपंप है, उसमें भी फ्लोराइड युक्त पानी यहां पर आता है। वहीं हमारे साथ उनियारा से राकेश सिंह जी जुड़ गए हैं, विकास अधिकारी हैं, वो उनसे बातचीत करते हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। हाँ जी राकेश जी, यहाँ पर उनियारा के सुंथरा पंचायत में एक चतरपुरा गांव है, बड़ी ही समस्या यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। जी मैम जी। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को, क्योंकि यहाँ पर पानी को लेकर लोग तरस रहे हैं, दूसरी तरफ सड़क यहाँ पर नहीं है। हाँ मैम, वैसे कुछ टाइम पहले मेरी जानकारी में था, ये क्या है, बहुत छोटा सा गाँव है सुंथरा पंचायत का, और वहाँ से क्या है कि रामनगर चतरपुरा और आगे भी इस पंचायत के जैसे गोपालगंज वगैरह जो गांव है ना जी, तो वहाँ ये पहले जहाँ तक मुझे याद है जी, तो ये क्या है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इसका भी शायद प्लान गया था, वो इम्प्लीमेंट हुआ इसकी मेरे को जानकारी नहीं, आज ही मेरी बात हुई थी जी। और बाकी जैसे कनेक्टिविटी का है तो हमारे पास अभी भी जैसे जो छोटे छोटे गाँव है ना जी, इनको हम लोग नरेगा में डबटेल करके जी, नरेगा में डबटेल करके सीसी रोड या वैसे उसको, क्योंकि ग्रेवल तो देखो बारिश में खराब हो जाती है। राकेश जी, यहाँ पर जो ग्रामीण है उनका ये कहना है कि यहाँ पर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि नरेगा में शामिल हुआ हो, नरेगा में काम किया हो। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आप प्लीज यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर खुद प्रधान जी हमारे साथ जुड़ गई है, ममता जाट जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ममता जी स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। जी सर जी, ममता जी यहाँ पर हम बात चतरपुरा गांव की कर रहे हैं, सुंथरा पंचायत की, जिसकी आपको जानकारी होगी। लोग बड़े परेशान हैं, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, मूलभूत सुविधाएं हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी मैम बिल्कुल, यहाँ पे गए पानी की बहुत भयंकर समस्या आ रही है। जी जी बिल्कुल, पानी की तो इतनी भयंकर समस्या आई है कि हमारे किसी दिन आफत बन सकता है ये चीज हमारे लिए। बिल्कुल, एक ही हैंडपंप है, फ्लोराइड युक्त पानी है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर बीमार हो गए। बिल्कुल मैम, इतना फ्लोराइड है कि लोगों के घुटने दर्द होते हैं, उनका शरीर बिल्कुल खोखला बन चुका है, वो लोग काम नहीं कर पाते, इतनी बुरी कंडीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो सुविधाओं का जो टोटा पड़ रहा है, आखिर क्यों नहीं सुधार हो रहा, आखिर वजह क्या सामने आ रही है? अब मैम वजह तो क्या बताएं, कोई तो वजह होगी, तो हम भी समर्थ नहीं है इस काम को करने में, तो वजह तो है ही। आप जो है खुद प्रधान हैं, आपकी थोड़ी बहुत यहाँ पर जिम्मेदारी भी बनती है इनके प्रति, आप जो है पूरे मामले को कहाँ तक लेकर जा सकते हैं? बिल्कुल मैम, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इस मामले को उठाने की। बिल्कुल, वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो वजह क्या आ रही है, आखिर कौन आड़े यहाँ पर आ रहा है, क्यों समस्याएं दूर क्यों नहीं हो रही। ये समस्याएं ये आती है कि हमें नियमों में बहुत ज्यादा बांध दिया जाता है जी, यहाँ पर बहुत ज्यादा नियम हो गए कि साहब 150-200-300 घरों की आबादी होनी चाहिए, आप वही हैंडपंप लगा सकते हो, दूसरा पुराना हैंडपंप नकारा होना चाहिए। मैम 200 घरों की आबादी एक हैंडपंप पे कैसे डिपेंड हो सकती है, आप बताइए, खुद सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल यहाँ पर बनता है। एक मैं जरूरी यहाँ पर जानना चाहूंगी कि यहाँ के ग्रामीण कहते हैं कि उनको नरेगा में शामिल नहीं किया गया, इस वजह से वो भी जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही, क्या वाकई ऐसा है? नहीं मैम, नरेगा का वैसे हमारे पंचायत समिति में काफी लोग लाभ उठा रहे हैं, लेकिन हमारे सामने समस्या एक आ रही है कि जैसे अभी कैटेगरी 4 का काम चल रहा है, अपने काम अपने खेती योजना
जी, तो वो चल रहा है। तो मैम उसके लिए मैं खुद घर घर पे जाके फॉर्म लोगों के भरती हूँ। हम फॉर्म पंचायत पूरे पंचायत का इकट्ठा करके हमने एक, लेकिन वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही, फिर भी उनको वो लाभ जो चलिए हमारे साथ खुद ममता जी, आपको बता दें कि हमारे साथ विकास अधिकारी जो कि विकास जी हैं, वो माफ कीजिएगा राकेश जी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राकेश जी आपने सुना, वो खुद प्रधान साहब घर घर जा रही हैं, फॉर्म भरवा रही हैं, लेकिन उनको वो जो मदद मिलनी चाहिए, जो सुधार की जो आवश्यकता है उनको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही। इस पूरे मसले पर अब आप क्या कहेंगे? बताना चाहूंगा कि अभी जैसे ये जो कैटेगरी 4 का जो प्रधान जी ने बताया ना जी, इसमें क्या था कि पहले जो फाउंडेशन थी वो SC ST और BPL के लिए थी जी, लेकिन अभी शनिवार को ही हमारे सांसद महोदय, जिला प्रमुख महोदय और विधायक महोदय सभी यहाँ आए थे, हमारी पंचायत समितियों में बैठक भी ली, इसके अलावा लोगों को जानकारी भी दी कि अब क्या है कि इस योजना को और एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और इसमें इवन जैसे विधवा है, विकलांग है, और जो 8 बीघा से कम के जो भी जितने भी किसान है, लघु सीमांत उनको भी जोड़ दिया इस कैटेगरी 4 से। लेकिन यहाँ पर दो भाई जो है उन्होंने तो बिस्तर पकड़ लिया है, वो कितने महीनों से उठ तक नहीं पा रहे हैं, उनकी तरफ क्या किसी ने ध्यान दिया कि यहाँ पर कोई जाकर देखता है इस गांव की हालत कैसी है? वैसे सूत्रा में मैम सब सेंटर है, वहाँ पर ANM है, और ये जानकारी में जैसे आज ही पता लग रहा है, मैं बिल्कुल इसके जानकारी करूंगा। बिल्कुल, इसलिए आपसे सवाल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप खुद विकास अधिकारी हैं। बिल्कुल, विकास की बात यहाँ पर की जाती है, लेकिन विकास दिखता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक मैम और निवेदन करना चाहूंगा, जैसे वो पानी की समस्या वाली जो बात है, एक्चुअल में क्या है, हमारा जो मैक्सिमम एरिया वो फ्लोराइड युक्त है। बिल्कुल, ये आप जरा क्लियर कर दीजिए। ममता जाट जी हमारे साथ जुड़ी है क्योंकि उनको भी ये समझ में नहीं आ पा रहा कि 200 नहीं, अब मैं आपको बताऊं, अभी बीसलपुर योजना से इस तहसील के सभी गांवों को, इवन टोंक जिले के सभी गांवों को बीसलपुर परियोजना से जोड़ दिया गया है और उसका काम चल रहा है, और शायद ये इस साल के लास्ट तक या नेक्स्ट साल के स्टार्टिंग तक ये पानी सभी गांवों को पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर शुद्ध मिलेगा, क्योंकि जगह जगह फिल्टर। और अगर सड़क की बात करें तो 50 सालों से तो यहाँ पर आने जाने के लिए मुसीबत बनी हुई है। अभी मैं एक निवेदन करूं कि अभी तक हमारे पास जो पक्के काम ज्यादा नहीं थे, नरेगा में डपटेल होने के बाद में हमारे पास अब CC रोड तक भी हम दे रहे हैं जी, तो इसका अगर हम किसी भी योजना से डपटेल करके बहुत जल्दी ही इसको डपटेल में करके और बिल्कुल वहां तक इनको पक्की जो भी CC रोड वगैरह है वो उपलब्ध कराने का। राकेश जी हमारे साथ ममता जी भी जुड़ी हुई है। ममता जी आप कोई सवाल यहां पर करना चाहेंगे विकास अधिकारी से, राकेश जी से? नहीं मैम, पहले तो बिल्कुल ये जो बता रहे हैं बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। ठीक है, पहले जो डेवलपमेंट होता था वो कुछ विकास नहीं था, जो आज के टाइम पे जो नरेगा से इस काम को जोड़ के जो डेवलपमेंट हो रहा है ना वो बहुत अच्छा है। हमने बड़ी बड़ी, काफी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी सड़कें हमने बनाई है, इससे काफी सुधार आया है सड़कों में, और ये बहुत अच्छी योजना है मैम। इसमें केवल मैंने जो बताया ना फर्स्ट में कैटेगरी 4 का, केवल उसी में हमें समस्या आ रही है, सड़कों में हमें कोई समस्या नहीं है। क्या उम्मीद क्या की जाए कि यहाँ पर सड़क कभी नजर आएगी, लोगों की जो आने जाने की दिक्कत है वो कभी दूर हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये योजना मैं खुद प्रधान हूँ, मैं खुद हर गांव में जाके देखती हूँ, इससे काफी सुधार आया है। अगर ये नरेगा में ऐसे डपटेल चलता रहा तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सड़क बनने के लिए जगह नहीं बचेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए सवाल है क्योंकि ये उम्मीद हम आपसे कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई वैकल्पिक इंतजाम हो, अगर अतिक्रमण कर रखा है तो अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था हो, अगर पानी नहीं है तो पानी की व्यवस्था हो, लोग जो बीमार हो रहे हैं, प्रसव पीड़ा हो जाती है, प्रसूता को दिक्कत आती है अस्पताल जाने में, स्कूल जाने में बच्चों को दिक्कत आती है, अगर बारिश आ जाए तो। मैम एक रिक्वेस्ट करूँ, इसमें एक ही काम होना चाहिए, इसमें केवल विकास को देखना चाहिए, अगर अतिक्रमण कहीं आगे आ रहा है तो उसको हटाना चाहिए प्रशासन। बिल्कुल ममता जी, हम आपकी बात से सहमत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप अब तक काम कर रही हैं आगे भी काम करती रहेंगी और विकास जो यहाँ पर नजर आएगा। शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ खुद विकास अधिकारी राकेश जी भी है। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपका जो विकास का काम है वो यहाँ पर भी नजर आएगा।